हरिहर इनका आजकल भाई लाना नहीं नहीं हमें हरी हरी दिल्ली भाती है, ग्रीन दिल्ली करना है, आंखों में जलन हो रही है उसे मिटाना है। हमारा आंख सवेरे से बड़ी जरता, आप लोग की भी थोड़ी जलन हो रही है, तो इस जलन को समाप्त करना है। और ग्रीन हरा अच्छा लगता है, हरियर ऐसा मत, आपने हरा कैसा सुंदर सा सूट पहना रखा है, कैसे नहीं अच्छा लगे। हरा तो हमारे प्रकृति की, हमने कभी कहा था अपने एक होली के गीत में, हमने कहा था कि पियर पहिने चुनरी धरतिया, हरियर घुंघटा काढ़ के। आप जब सरसों फुलाइल रहेला, जब सरसों फूलता है तो आप लोग देखे ही होंगे, दूर दूर तक खेतों में सरसों है। आप भले ही चाहे यशराज यश चोपड़ा जी का फिल्म ही क्यों ना देखे हो, दूर दूर तक जब सरसों होता है, बीच बीच में तीसी जो हरी हरी होती है, तो ऐसा लगता है पूरी धरती श्रृंगार करके है, पीली चुनरी है और हरियर घूंघटा काढ़ रखा है। ऐसे भोजपुरी के शब्दों से मैं हरा बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं, हरा से कोई दुश्मनी नहीं वैसे आपको पता है कहाँ दे देने से आदमी थोड़ा ज्यादा बोलने लगेगा आप कर देते हो। उस गीत को पूरा करें फिर बैठ के बात होगी। अभी मैं राम कनेक्शन निकालने में परेशान हूं। रामधारी कनेक्शन निकालने में सोच में लगा हुआ हूं, तो मुझे वो दृश्य याद आता है जब प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। मेरे देश के सभी भाई बहन, आपके घर में जो युवा हैं उनको भी राम कनेक्शन दीजिए। राम ने सिखाया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता का जो सम्मान करता है उसको मैं बोलूंगा उसका राम से कनेक्शन है। आप हर माता पिता की सारी बात नहीं मानना चाहते हो। राम को जंगल जाना था, वन में जाना था, असुरों का नाश करना था, तो उन्होंने क्या किया? एक माँ कह रही है 14 साल के लिए बन जाओ, और एक माँ कह रही है मैं भी माँ हूं तुम्हें नहीं जाना है, कौशल्या कहती है। तो राम ने समझाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, और आगे की लाइन याद है आपको, प्राण पर वचन न जाए, याद दिला दिया। तो मैं बोलना चाहता हूं, या तो माता पिता की बात मानो, अगर कुछ नया करना है तो माता पिता को तैयार जरूर कर लो, ताकि उनको रस्सा रहे कि बेटा वन में भी जाएगा तो अच्छा काम करके आएगा।